हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि आपको पहले मैं दिखला देता हूँ कि स्लैब की पाइपिंग किस तरह से होती है, लेकिन ये आपको पहले समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले मैं आपको नीचे दिखलाता हूँ कि इसका जब पाइपिंग ख़त्म होने के बाद दीवार पे जो बॉक्स लगती है पहले मैं वहाँ पे आपको समझा देता हूँ, उसके बाद दोबारा आपको फिर से स्लैब पे लेके आता हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल में, आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। आज मैं जा रहा था स्लैब चेक करने के लिए कि हमारे मुंबई में किस तरह से स्लैब पड़ती है, वो मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं। उससे पहले मैं दिखला दूं आपको कि स्लैब होने के बाद नीचे किस तरह से काम रहते हैं, तो आपको स्लैब ज़रा देख के ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए पहले आपको मैं नीचे किस तरह से काम होता है और इससे पहले हम स्लैब पे किस तरह से काम करते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो जब भी हम पाइपिंग करते हैं तो जो हमारा पाइप रहता है वो स्लैब के ऊपर ही रहता है, वहाँ से पाइप कैसे छोड़ते हैं वो भी मैं आपको ऊपर दिखाने वाला हूँ। उसके बाद नीचे इस तरह से दीवार में तोड़ के इस तरह से बॉक्स लगाया जाता है। तो ये और सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर मैं दिखलाता हूँ, यहाँ पर 2 dB रहती है। जो आप ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल डीवी है, राइट साइड में एलवीडीवी। एलवीडीवी मतलब जो हमारे जो टीवी टेलीफोन के जितने भी पॉइंट्स है सो इस डीवी में आएगी, और जितने भी इलेक्ट्रिकल हर एक बेडरूम से एक एक पाइप यहाँ आएगा और यहीं से सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रिकल डीवी हो गया। चलिए वो आपको दिखलाता हूँ किस तरह से। चलिए किसी एक बेडरूम में पहले लेके चलिए, यही बेडरूम में आते हैं। ये बेडरूम में आके जैसा देख सकते हैं सीलिंग में एक पॉइंट है और वॉल पे एक पॉइंट है, सीलिंग में फैन का और ये इसका लाइट पॉइंट। तो ये दोनों का ऑपरेटिंग कहाँ पे है? अच्छा, ये 2-way पे है। कहाँ से कहाँ ऑपरेटिंग होगा? अच्छा, यहाँ से ऑपरेटिंग होगा। तो अभी ये देख सकते हैं अब इसका पाइपिंग किस तरह से होता है। जितने भी बेडरूम है यहाँ से लाइट की एक सेपरेट पाइप उसी डीवी में जाएगी, और यहाँ पे आपका टेलीफोन आएगा उसका भी सेपरेट पाइप रहेगा, यहाँ पे टीवी रहेगा और लाइट पॉइंट रहेगा, इसका भी सेपरेट पाइप रहेगा। ये मैं दूसरे फ्लैट में लाया जो स्लैब खुलने के बाद ये देख सकते हैं हमारे सारे पाइपिंग यहाँ पे रहते हैं, इसी तरह से सारे पाइपिंग आपको दिख जाएंगे। और ये बांध काम जो है, जो ये ब्लॉक वर्क हो रहा है, सीधा यहाँ से इसके ऊपर जाएगा और वहाँ से उस पाइप हमारे सीधे इस बांध काम में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम पाइपिंग छोड़ते हैं। चलिए ये पाइपिंग किस तरह से करते हैं चलिए वो आपको मैं स्लैब पर दिखलाता हूँ। ये आप देख सकते हो जितने यहाँ पे छड़ हैं या सलिया जो भी आप बोलते हो उससे ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिकल पाइप है, और ये सारी पाइप को कितने सावधानी और कितने अच्छे तरीके से देख सकते हैं काम किया गया है। तो ये सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ कि अगर आप इस तरह से पाइपिंग करते हो तो आपको कभी भी स्लैब में कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है, और इससे अच्छी वायरिंग फिर आपको नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि जो कंसील्ड वायरिंग रहती है वो अच्छे नहीं होती है, बाद में दिक्कत रहती है। एक्चुअली अगर स्लैब आपका अच्छे से हो गया तो वायरिंग कंसील्ड वायरिंग से अच्छा कोई वायरिंग है ही नहीं। स्लैब अच्छे से डालिए, और कितने अच्छे तरीके से ये डाला गया है ये आप देख सकते हो। 4 BHK फ्लैट है, तो आपको पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो में कि ये क्या है। ये जो इतना जंक्शन दिख रहा है आपको, एक साइड ब्लैक पाइप और एक साइड रेड पाइप, एक साइड ब्लैक पाइप और एक साइड वाइट पाइप, तो ये क्यों इस तरह से किया गया है चलिए आपको पूरी जानकारी आपको मैं आगे दे। ये हमारे सज्जाद भाई जो यहाँ का पूरा स्लैब का पाइपिंग किए, तो पहले मुझे ये बताइए कि ये जो व्हाइट पाइप और ब्लैक पाइप ये क्यों है, ऐसा पहले आप बताइए। सर, ये व्हाइट पाइप जो है आपका डेटा का है। डेटा मतलब टीवी टेलीफोन जो भी, मतलब लो वोल्टेज है, टीवी का पाइप हो या अपना टेलीफोन का पाइप हो, तो वो हमें स्लैब में चेक करने के लिए आसानी होती है, इसलिए हम इसे व्हाइट पाइप यूज़ करते हैं। और आपका इलेक्ट्रिकल डीवी, तो जो नीचे मैंने आपको दिखलाया था कि जितने भी इलेक्ट्रिकल डीवी हर एक बेडरूम के लिए जो सेपरेट पाइप जाती है, वो डीवी जो जंक्शन है वो यहाँ पे, इसके नीचे हमारे इलेक्ट्रिकल डीवी लगेगी। तो यहाँ से सारे पाइप जो डिस्ट्रीब्यूट हुए, देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से सारे पाइप डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो ये इतने सारे पाइप इस जगह पे आया कैसे, वो मैं चलिए मैं आपको आगे बतलाता हूँ। अभी आप ये देख सकते हो ये फ्लैट में एक मेन जंक्शन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डीवी लगेगी, यहाँ पे एलवीडीवी लगेगी, मतलब कि जो भी लो वोल्टेज की वायर रहेगी टीवी टेलीफोन या डाटा, वो इस जगह पे लाना है हमें कहीं से भी, और जो वहाँ पे है इलेक्ट्रिकल पावर की जो सर्किट रहेगी वो हमें उस जगह पे लाना है। तो वो सारे जो पाइपिंग आए हुए वो वहीं से आए हुए। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ किस तरह से। पहले मैं आपको एक बेडरूम में लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखलाऊंगा कि किस तरह से सारे पाइपिंग जो आए हुए हैं
यहाँ से आए एक एक जगह सब जगह बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं लास्ट बेडरूम में लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि वो सारे जंक्शन में पाइप आए कहाँ से। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे डोर है, यहाँ पे डोर है और यहाँ के आगे एक ये बेडरूम है। तो सज्जाद ज़रा बताइए स्लैब पे कितने पॉइंट है आपके? एक फैन है, सीलिंग में दो लाइट है, एक वॉल लाइट है। अभी ठीक है, अभी इस बेडरूम में ये जो एक बेडरूम है, ऐसा एक बेडरूम है तो यहाँ पे आपने सबको लूप किया और डाल दिया। और यहाँ से बतलाइए ये जो यहाँ पे टीवी वाला, यहाँ से जो दो पाइप बाहर गया है तो ये क्या क्या चीज़ का है? सर ये अपना टीवी का हो गया और एक इलेक्ट्रिकल का मेन हो गया। हाँ तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक जगह से मेन टीवी को पहुँचती है, तो यहाँ पे टीवी आ रही है तो टीवी की सेपरेट पाइप आया हुआ देख रहे हैं और ये इलेक्ट्रिकल की मेन लाइन हो गई। इसी तरह से आपको दिखलाता हूँ इस जगह पे जो आपको ये ग्रे पाइप दिख रहा है वाइट कलर का जो आपको लग रहा है, ये आपका टेलीफोन का पाइप हो गया और इसे इसके नीचे एक प्लग पॉइंट है, उसको सर्किट वहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह से करके सारे स्लैब की पाइपिंग की जाती है। मतलब आप पर्टिकुलर पार्ट पार्ट में एक एक बेडरूम में जाके पहले काम कर सकते हैं। जैसे एक बेडरूम क्लियर किया, सारे सीलिंग के पॉइंट को मिलाया और यहाँ से मेन एक टीवी का मेन, एक टेलीफोन का मेन, इलेक्ट्रिकल का मेन, वो डीवी के पास पहुँचा। वैसे ही ना ये बेडरूम जो दूसरा बेडरूम है यहाँ पर आइए, इसको बताइए ज़रा। इसका बेडरूम का जो दोनों का दो बेडरूम है ना वहाँ तक, तो दोनों के बीच में किस तरह से ड्रॉप डाला है वो दिखलाइए ज़रा। ये देख सकते हैं ये जो इसके नीचे दीवार पूरा सीलिंग तक टच होके आने वाली है, तो पाइप उतारेंगे कैसे? तो ये देख सकते हैं इसे नीचे कपलर लगाया हुआ, उसके कपलर के नीचे गोनी है। हाँ, उसे बैंड करके इस तरह से हम गोनी ओपन करेंगे, उसके बाद से पाइप अपना पाइप निकल जाएगा। तो ये बैंड एक बार मार के दिखला सकते हैं क्या स्लैब पे? दिखा सकते हैं सर, देख जरा मार के आपको सज्जाद दिखलाएंगे कि अगर स्लैब टच अगर है बैंड डालने से अच्छा है कि अगर इस तरह का बैंड बना के यूज करके अगर डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कभी भी कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि जहाँ पे अगर बीम में आ रही है, आपको दिखलाता हूँ क्यों इस तरह से मैं बतलाने जा रहा हूँ कि अगर बीम में पॉइंट आ रहा है तो बीम में आप इस तरह से बैंड करके आप पाइप डाल सकते हो, तो बीम में नीचे वहाँ तक बांधकाम आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं, तो ये बीम में तो आ गया, लेकिन जो बांधकाम स्लैब टच तक बांधकाम आने वाली है तो वहाँ पर बैंड डालने में क्या होता है, जब ये भराई होती है ना तो बैंड घूम जाता है, तो बैंड घूम जाता है, तो उसके लिए हम ये जो इस तरह से बैंड करके अगर डालेंगे ना, ये आप देख सकते हो सीधा पाइप आया है वहाँ से और यहाँ पे हाफ राउंड करके इस तरह से ये बैंड बनाया गया है, तो ये पाइप जल्दी घूमता नहीं है। और जो आप डायरेक्ट बैंड मारेंगे ना तो वो घूम जाएगा। तो किस तरह से वो बैंड मारेंगे वो दिख लगे ज़रा, पहले उसके अंदर डाले क्या पाइप के अंदर वो दिख लगे। ये स्प्रिंग है, ये इससे पाइप मोड़ा जाता है। पोपट बैंड नाम दिया आपने, अच्छा इसको कपलिंग लगाइए काट के और सीलिंग में किस तरह से पूरा प्रॉपर बैठेगा यहाँ पे बिठा के दिखाइए। कपलिंग में गोनी डाल देंगे, तो आपको दिखलाता हूँ कि अगर कहीं पे भी बांध काम अगर सीलिंग टच आ रही है तो वहाँ पे किस तरह से हम काम करेंगे वो हम दिखलाते हैं आपको। तो ये कहीं पे भी पाइप रहे इस तरह से डालना तो उसमें पाइप में हम गोनी डाल देंगे, ये गोनी को मोड़ के और ये कपलिंग में हम गोनी डाल देंगे। मैं इनका स्लैब इसलिए दिखलाने के लाया क्योंकि इनका काम करने का तरीका काफ़ी अच्छा मुझे अब यहाँ पे दिखलाइए। अब ये देखिए अगर ये स्लैब टच बांध काम है यहाँ पे, अगर नीचे से बांध काम बाद में आने वाली है तो यहाँ पे अगर इस तरह से आप बांध दोगे, दो जगह बांध दोगे तो ये कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। ये देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर हो गया, ये बिल्कुल इसी तरह से जितने भी बेडरूम हैं वहाँ से इलेक्ट्रिकल के लिए अलग और एलवी सप्लाई के लिए अलग अलग इसी तरह से पाइपिंग करके लेके जाना है हमें। ये देख सकते हैं ये हमारा एक बेडरूम हो गया, ये एरिया एक बेडरूम हो गया, ये दूसरा बेडरूम, वो तीसरा बेडरूम और ये चौथा बेडरूम। तो इसी तरह से आप देख सकते हो ये बेडरूम से एक ये एलवी का मतलब कह सकते हैं टीवी का पाइप, वो टेलीफोन का पाइप और ये इलेक्ट्रिकल पाइप, ये तीनों यहाँ से गया। जैसे ही हम आगे बढ़े फिर पाइप बढ़ती है, तो ये देखिए अब ये बेडरूम का
ये बेडरूम का इसी तरह से एक टीवी का पाइप हो गया, वहाँ से एक टेलीफोन का पाइप निकला और एक ये बेडरूम का पाइप है, एक बाथरूम का पाइप है, दोनों इलेक्ट्रिकल यहाँ निकला। वो धीरे धीरे पाइप आगे ज़्यादा होते जाएंगे। फिर अभी इस बेडरूम में आ जाएगी, इस बेडरूम में भी कैसा, ये एक पाइप इलेक्ट्रिकल का मेन, एक टीवी, एक टेलीफोन, ऐसे ही करते करते सारे जंक्शन यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग हो जाती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया रहेगा। समझने में अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। और पाइपिंग कीजिए तो अच्छे तरीके से कीजिए, अगर स्लैब की पाइपिंग अगर अच्छे तरीके से हो जाती है तो आपको वायरिंग में कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। थैंक यू सर, चलते।